पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे हम मुंबई से चेन्नई कनक के फ्रेंड के घर पहुंचते हैं और वहां विजिट करते हैं चेन्नई का वर्ल्ड फेमस मरीना बीच। अब चेन्नई से सफर शुरू होता है कनक के गांव का तिरुनेलवेली का, जहां रहती है कनक की नानी, मासी और उनका परिवार। स्टेशन पे मासा और मासी का बेटा हमें लेने के लिए आए हुए रहते। फिर वो दोनों एक बाइक पे और हम दोनों एक बाइक पे घर की तरफ बढ़ते। हम पहुंच गए कनक के मासी के घर। हाँ। और वो फैमिली मेंबर्स, तो अभी कनक सबका इंट्रोडक्शन करवा के देगी। चलो पहले मिलते हैं पार्टी। ये मेरी तमिल में पार्टी कहते हैं। और ये मेरी नानी है। नानी है। नानी को मैं बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद मिल रही हूँ। नानी को हग करो। नानी को हग, नानी को किस। नानी को बोलो तमिल में कुछ बोले। पार्टी என்னது சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் हाय அப்படினு சொல்லுங்க हाय பை மாசி மாசி अब ये मेरी मासी है। मासी को क्या बोलते हैं? मासी को हम लोग चित्ती बोलते हैं। हां सो मासी को भी मैं बहुत सालों के बाद मिल रही हूं ना चित्ती। हां मैं अभी अपनी शादी में 2 साल पहले, हां उसके बाद अभी मिल रही हूं। और चित्तबा किधर गए? चंबना गए। अच्छा ठीक है, चितपा हमारे दूसरे कुछ काम से चले गए बाहर, बाद में मिलाएंगे चितपा से। ओके okay. और बस ये पूरे घर में ना सिर्फ यही एक ट्रांसलेटर है हमारे लिए। हाँ। ये तो है, ये है, इनको हिंदी आती है, और बाकी सब लोग तो फैमिली मेंबर्स है लेकिन सब मेरे लिए अनजान है। कोई उनको हिंदी नहीं आती और मुझे तमिल नहीं आती। ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा छोटा भाई शिवा। और ये काफी छोटा था जब मुंबई आया था, तो अभी बहुत सालों के बाद इससे भी मिल रही हूँ। और ये उससे बड़ा भाई राजा। This is my लड़की। लड़की लड़की ना वो बटली। और ये हमारी डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बहन मेघला, ये सबसे छोटी है इन सब में से, और इसको भी मैं बहुत सालों के बाद मिल रही हूँ। मजा आ रहा है सबसे। बहुत सालों के बाद क्या, शादी में नहीं मिली थी? हाँ शादी में 2 साल पहले आई थी, बट बहुत अच्छे से मिलना आज हो रहा है। थोड़ी देर में हम घर के पास ही एक जंगल में घूमने के लिए आते। काफी छोटा पर एक सेक्रेड फॉरेस्ट था ये। इस जंगल के कुछ नियम थे, जैसे कि पेड़ का एक पत्ता भी आप यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते हो। ऐसे कुछ मान्यताओं के कारण ये जंगल अभी भी बचा हुआ है। राजा और मेघला मुझे यहाँ लेकर आए थे। ये जंगल काफी वीरान था और इसीलिए कनक को उसके मासी ने यहाँ जाने से मना किया था, क्योंकि तब कनक प्रेग्नेंट थी। बाद में इस जंगल के बाहर हमें पुलिस मिली, जिन्होंने हमें टोका और काफी देर तक हमें समझाया कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जंगल खतरनाक है। और तब तक अनजान हम वहाँ गार्डन में जैसे वैसे टहल रहे थे। इस जंगल के एक तरफ सुंदर नदी बहती है जिसका नाम है थमीरा बरानी, जो ताम्रपर्णी नाम से भी प्रचलित है। ये तमिलनाडु की एकलौती नदी है जिसकी धारा बारहमाही प्रवाहित रहती है। अब हम जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए किसी के बनाना प्लांटेशन में पहुंच जाते हैं। और इस बुलबुलेया में हमें समझ नहीं आता कि किस तरफ से हम बाहर निकल सकते हैं। आखिर में जैसे तैसे कांटों भरे इस झाड़ियों से निकल के हम बाहर चले आते हैं।
हम कनक के मासी के घर पहुंचे थे, थोड़ा टाइम रेस्ट किया और फिर उसके कजिन्स मुझे लेके आए एक जंगल में वॉक के लिए। मतलब एक छोटा सा जंगल था लेकिन बहुत ह्यूज ट्रीज थे अंदर, एक साइड में रिवर भी थी, बहुत अच्छा नज़ारा था। लेकिन जंगल से चलते चलते पता नहीं कहाँ तक चलना है था और कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या दिखने वाले, और यहाँ पे आके पहुँच गए। तो यहाँ मेरे पीछे जो शेड्स दिख रहे हैं, एक्चुअली वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके वजह से हम अंदर का नज़ारा आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या देख रहे, बहुत मतलब उन्होंने जैसे कुछ एक्सप्लेन किया, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में बताया नहीं, लेकिन 1000-2000 BC का जो भी मिला है वो उतना पुराना है, वो बहुत सारे मिट्टी के घड़े उसके अंदर है, और मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। और शायद ही गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा, लेकिन बस एक जो वॉक हमने जंगल में किया, एक लास्ट में जो क्लाइमेक्स था, वॉक फैक्टर था। शिवा के साथ कनक यहाँ डायरेक्ट चली आई थी, जिसके बाद हम सब और भी जगह घूम लेते। रात को आसमान में तारों की गर्दिश और नीचे हम डिनर की महफिल सजाते हैं। अच्छा, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं तिरुनेलवेली के बड़े और पुराने मंदिर को देखने के लिए, जिसका नाम है नेले अपर गांधी मदी टेम्पल। और कल हम लोग रात को एक और बाजू में टेम्पल विजिट करने गए थे, जिसका नाम था कृष्णापुरम टेम्पल। और सुशांत, तुझे कैसा लगा वो टेम्पल? मुझे तो मतलब वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसके लिए शूट नहीं कर पाए। लगा था कोई साधारण मंदिर होगा, लेकिन यहाँ साधारण मंदिर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब साधारण से साधारण मंदिर एकदम भारी होता है। यह मंदिर तिरुनेलवेली शहर का सेंटर पॉइंट है और यही तिरुनेलवेली की मुख्य पहचान है। दक्षिण भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर है जो अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भी उसमें से एक है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस कारण इसके कुछ अंश ही मैं शूट कर पाया। इस बेहद खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए आप इस शहर का रुख कर सकते हो। मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल के बाद मैंने देखा हुआ सबसे बड़ा और खूबसूरत मंदिर यही था। मंदिर से बाहर निकलते हैं तब रात भी निकल आती है और हम चल पड़ते हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ छोटे छोटे अंडों से बनाई जा रही डिश नजर आती है। मुझे नहीं पता होता है कि ये अंडे किस पंछी के हैं, पर मैंने ये पहली बार देखा हुआ रहता है तो मैं इसे टेस्ट करने का सोचता हूँ। ये क्या खा रहे हो तुम लोग? ये हम लोग मसाल पूरी खा रहे हैं। मसाल पूरी? हाँ, जो कंबोड रगड़ा जैसा है। यहाँ पे लंबा सा खाओ गली है, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ छूट चुके हैं और अभी यहाँ पे ग्राउंड में बैठ के थोड़ा टाइम पास करेंगे। क्या खा रही हो? मैं ये केले के पेड़ का वो जो डंडा होता है ना, अंदर वाला। हाँ, डंडे के अंदर वाला जो होता है उसका सूप, वो मसाला पूरी। ये जो है ये मसाल पूरी है, मसाल पूरी समोट रगड़ा पूरी जैसा। अगली बार निकल पड़ते हम तिरुनेलवेली से बाहर और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, वो सब हम दिखाएंगे हमारी अगली वीडियो में। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।